इस वीडियो में मैं फिर से बात करूंगा सकमी शेक्सपियर मूवी के बारे में, लेकिन इस वीडियो में होगा सेकंड पार्ट। टोटल इसके अंदर तीन पार्ट हैं और जैसे ही ये वीडियो शूट होगी इसके बाद मैं इसका तीसरा पार्ट शूट करने जा रहा हूं। और एक साथ तीनों पार्ट्स की एक वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। चलो अब इसकी कहानी के ऊपर आते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मिलर ने कुछ रुपए चुराए थे 13 महीनों के लिए, फिर वो जेल में चला गया था। उसने अपनी महिला मित्र को वो रुपए छुपाने के लिए दिए थे और जब वो वापस आता है तो उस रुपए छुपाई जगह पे एक स्कूल का जिम बन चुका है, इसलिए वो स्कूल में एज ए टीचर की जॉब करने लग जाता है। अब जिसने भी वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है, यानी पहला रिव्यू नहीं देखा है इस मूवी का, तो जाकर पहले वो रिव्यू देखें या फिर वो पहले जाके मूवी देखें फिर जाके ये रिव्यू देखें ताकि अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। इस मूवी में कहानी को कंटिन्यू रखा गया है। मिलर अभी भी उसी स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा है और जैसा कि पहली मूवी में रुपए थे, इस मूवी में हीरे आ जाते हैं, यानी कि डायमंड। अब वो डायमंड कैसे आ जाते हैं दिखाया गया इस मूवी में। उसका एक दोस्त था जब ये 13 महीने पहले जब चोरी कर रहा था, जैसा कि फर्स्ट मूवी में वहां नहीं दिखाया गया, इस मूवी में दिखाया गया। तो वहां पर उसके दोस्त के पास कुछ हीरे थे, इसके पास रुपए थे, तो वो हीरे जो है अपने दोस्त को देकर कहते हैं कि तू भाग जा। अब वो एक चिट्ठी लिखकर मिलर को बताता है कि वो हीरे कहां पर छुपे हुए हैं। मिलर को वो हीरे मिल जाते हैं लेकिन उसको डर रहता है कि वो बेचेगा कहां पे और उसके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो हीरों को एक मैस्कोट के अंदर यानी एक भालू की डोल के अंदर वो छुपा देता है ताकि इसको आराम से बाद में बेच सके। मिलर अपनी टीचर की जॉब से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है और वो इससे छुटकारा पाना चाहता है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि वो हीरे जो है वो थाईलैंड चले जाते हैं। अब कैसे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, कौन भेज देता है भाई, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये वीडियो जो है वो रिव्यू के लिए ना कि इसमें स्टोरी बताने के लिए है। अब मिलर को वो हीरे चाहिए तो इसलिए थाईलैंड जाने के लिए वो एक बहाना बनाता है। स्कूल को कहता है कि उसको एक एड कैंपेन दिला देगा और इसलिए उसे और कुछ बच्चों को थाईलैंड भेज दिया जाए। और इस मूवी के अंदर भी वही कमीने बच्चे दिखाए गए और इस बार इनका कमीनापन कसम से और भी ज्यादा बढ़ गया है, और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मूवी के एंड में ये अपने टीचर यानी मिलर को नंगा कर देते हैं स्कूल के बीचों बीच में। कॉमेडी की बात करूं तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी पहली मूवी के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई गई है और ये देखकर कि ज्यादा अच्छा लगता है कि इसमें पहले वाले कैरेक्टर यूज किए गए हैं, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग पहली वाली मूवी में उन कैरेक्टर के साथ बन गई थी इसमें वही कंटिन्यू रखी गई है, जिसे देखकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और परफॉर्मेंस इस मूवी में एज यूजुअल फर्स्ट मूवी की तरह काफी अच्छी रही है और पहली मूवी की तरह जिसमें मिलर को रुपए नहीं मिलते वो रुपए दान कर देता है स्कूल की जिम को ठीक कराने के लिए, ऐसे ही इसमें होता है उसे हीरे नहीं मिलते, वो हीरे जो है वो अनाथ बच्चों के लिए जो थाईलैंड में अनाथ बच्चे होते हैं उनको वो रुपए दे देता है यानी वो हीरे दे देता है ताकि वो वहां पे एक अनाथालय बना दे। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को मैंने दिए थे 8.5 out of 10 स्टार और उसी तरीके से इस मूवी को भी मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 स्टार। और जैसा कि पहली वाली वीडियो में मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी किसी के कॉमेंट आएंगे, इस वीडियो में मैं किसी की भी उम्मीद नहीं करने वाला हूँ कि किसी के कॉमेंट आएंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये वीडियो या ये मूवी देखी हुई है। खैर जो मेरा काम है मैं उसे अच्छे से करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस मूवी में पागलपन बहुत ज्यादा है जिसे देखकर आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाने वाले हो। और अब इसमें हिंदी डबिंग की बात तो रहेगी, हिंदी डबिंग एज यूजुअल फर्स्ट मूवी की तरह इसमें भी घटिया। अबे किसने कहा था बॉलीवुड के गाने इसके अंदर डालने को, अब बॉलीवुड के गाने डालने से कोई मूवी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, वाहियात लगने लग जाती है। खैर जो भी था इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।